हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नरसेना पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। 20,000 के इनामी बदमाश को लगी पुलिस की गोली। इनामी के दो अन्य साथी भी मुठभेड़ के दौरान किए गए गिरफ्तार। दोनों ओर से कई राउंड हुई फायरिंग। बदमाशों से एक रिवॉल्वर, एक देसी तमंचा और एक चाकू भी पुलिस ने किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चलाया था विशेष चेकिंग अभियान। नरसेना के सबदलपुर पुलिया के पास हुई मुठभेड़। नरसेना थाना क्षेत्र में अपराधियों के साथ पुलिस की एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और जो मुख्य उसका गैंग लीडर है सचिन, जिसका नाम है, जिसमें 20,000 रुपये का पुरस्कार पहले से घोषित था और डकैती, हत्या सहित डकैती के मामले में वांछित चल रहा था। मई 2019 से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसे गोली लगी है क्रॉस फायरिंग में, क्योंकि जब पुलिस ने इस टीम को रोकने का प्रयास किया जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, बदमाश के पैर में लगी, घायल हुआ, गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से पिस्टल, तमंचा, कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। इसमें उल्लेखनीय है कि जो सचिन, जिसको गोली लगी है, वो अंतर जनपदीय स्तर का साथी लुटेरा है। 18 से अधिक मुकदमे आसपास के जनपदों, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ आदि जनपदों में उसके विरुद्ध दर्ज हैं। और उसके जो दो साथी पकड़े गए हैं, उनमें से एक गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और दूसरा कटोल थाना क्षेत्र। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।